Hello and welcome to Unlimited Education and this is Krishangi presenting Current Affairs today. Current Affairs के सभी questions latest examination pattern के हैं, तो चलिए start करते हैं आज के questions. और first question, Global Carbon परियोजना के अनुसार विश्व कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कितने प्रतिशत तक बढ़ गया है? तो ये जो उत्सर्जन है ये बढ़ गया है 2.7% तक, और ये रिपोर्ट रिलीज की है ग्लोबल कार्बन परियोजना ने. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन है, इसके मामले में जो पूरे विश्व में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है उसमें भारत की रैंक है फोर्थ, चौथे स्थान पर भारत है इस उत्सर्जन में है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने क्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2018 जीता है? तो ये ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और इनका नाम है रतनलाल. इन्होंने ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार 2018 जीता है और ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है सतत मृदा प्रबंधन में सराहनीय योगदान के लिए. क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत के किस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल है इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राजीव महर्षि. इनका नाम है राजीव महर्षि. क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड ने कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाली लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का विकास किया है? तो ये जो हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड HAL है, इसने 6 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने वाला एक लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर डेवलप किया है और ये हेलीकॉप्टर डेवलप किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में. क्वेश्चन नंबर फाइव, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है RBI, इसके नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं शक्तिकांत दास और ये 25वें गवर्नर बने हैं RBI के. कुछ दिन पहले ही उर्जित पटेल ने इस्तीफा दे दिया था और उनके स्थान पर शशिकांत दास को नियुक्त किया गया है और इनका कार्यकाल होगा लगभग 3 वर्ष का. क्वेश्चन नंबर 5-6, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो केंद्र सरकार है इसने एशियाई विकास बैंक के साथ 31 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ये ऋण समझौता हस्ताक्षर हुआ है तमिलनाडु में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए. कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो कि ADB का ये जो एशियाई विकास बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है. क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सर्वाधिक स्कोर के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट है इसमें सर्वाधिक स्कोर बनाया है अजय रोहेरा ने. इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश और हैदराबाद के बीच हुए जो मैच हुआ है रणजी मैच होलकर स्टेडियम में, वहाँ ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है. और ये जो अजय रोहेरा हैं ये मध्य प्रदेश की तरफ से खेलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय शहर में सतत जल प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये जो सतत जल प्रबंधन है इस पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया मोहाली में. 9th क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में खेलो इंडिया युवा खेल 2019 आयोजित किया जाएगा? तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया था पहले खेलो इंडिया स्कूल खेल, इसमें काफ़ी सफलता मिली है खेल मंत्रालय को, तो इन्होंने इस बार कॉलेज के छात्रों को भी इसमें शामिल करने के लिए इसका नाम कर दिया है खेलो इंडिया युवा खेल. और ये जो 2019 में जो इनका आयोजन हो रहा है ये आयोजन किया जाएगा पुणे में, ये पुणे में आयोजित किए जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 10, तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों में TRS नेता टी हरीश राव ने सिद्दीपेट विधानसभा सीट से 1 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीतकर लगातार कितनी बार जीत दर्ज की है? तो ये जो तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए हैं तो इसमें जो हरीश राव हैं इन्होंने लगातार 6ठी बार ये जीत दर्ज की है, तो इसका आंसर हो गया 6ठी बार. तो उससे ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 6ठी बार इन्होंने ये जीत दर्ज की है. तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन. अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.